चचा विधायक के रूप में है, विधायक बन सकते हैं। बुला के बात करते हैं एक बार इन लोगों से क्या करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, उसका कारण क्या है वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अभी एक व्लॉग शूट करने जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं रहने वाला हूँ बनारस का। तो बनारस में हमारे यहाँ घाट बहुत फेमस है गंगा के। तो भैया ने बताया, भैया तो आप जानते ही हो कि यहाँ पटना में भी कोई घाट है, बहुत फेमस घाट है। कौन सा घाट है? NIT घाट। हाँ, NIT कॉलेज तो सुना था हमने आज तक, बट NIT घाट पहली बार सुन रहे हैं। तो चलते हैं, देख के आते हैं कैसा है। बहुत दिनों से आप लोग पूछ भी रहे थे कि मुझे मैं ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका जवाब यही है गाइस, कुछ काम में बिजी था, बहुत ज़रूरी काम में, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। बाकी मैं फिलहाल बिहार में हूँ, जिसको नहीं पता मैं दोबारा बता दूँ। और अगर आप बिहार से देख रहे हो मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता यहाँ के बारे में भी। तो कमेंट करो कि आप बिहार से हो, और दूसरी चीज़ कमेंट करो कि मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा सकता हूँ जो आप देखना चाहोगे मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करो कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अगर आप बिहार से देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और आपसे मिलके आपके साथ चल के वहाँ के जहाँ भी आप बताओगे कि हाँ की ब्लॉग बना सकते हैं हम लोग, ये चीज़ हम लोग अपने ब्लॉग में शूट कर सकते हैं, तो वो शूट किया जाएगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं NIT घाट। गंगा जी का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया है। बाकी यहाँ पे छठ की तैयारी चल रही है, देखो ये जो बांस वांस लग रहा है ना, अभी छठ आने वाला है, इसी की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे। छठ जो है पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया मतलब आउट ऑफ कंट्री में भी मनाया है। हाँ यही है गाइस, देखो जैसे होली दिवाली हम लोग मानते हैं ना, कि होली दिवाली बहुत से लोग मनाते हैं बाहर भी, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी, बट अब छठ भी ऐसा एक त्यौहार है जो आउट ऑफ इंडिया मनाया जाता है। ये अच्छी अचीवमेंट है ये हम लोगों का, आउट ऑफ कंट्री मनाया जाता है। बिहारी होते हैं वो छठ करते ही करते हैं। हाँ, वो कहीं भी हो जाए या फिर वो नहीं आ पाते हैं तो बाहर करते हैं, नहीं तो सारे लोग चाहते हैं कि बिहार ही लौट के आए, बिहार में ही छठ करें। अभी फिलहाल हमें मरीन ड्राइव पहुंच चुके हैं, इसकी वीडियो मैंने बना चुका हूँ पहले, जाके देख लेना जिसने नहीं देखी है। देखना गाइस, सब कुछ डूब गया, जब किसी किसी का घर भी था यहाँ पे। तो गाइस मैं दिखाता हूँ, देखो मैं खुद इतना स्ट्रगल करता हूँ ना, तो मुझे भी चलते चलते एक लोग दिखे हैं जो लोग रील बना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। बुला के एक बार पूछते हैं उनसे। चल एक मिनट रुक के ना बात करके आते हैं, आप एक मिनट रुक के बात करके आते हैं। रील बना रहे हैं आप लोग, देखें कैसे बना है। क्या रिकॉर्ड किए गए, भी रिकॉर्ड किया है। मैं हम लोग का शूटर मैंने भाई। अच्छा, मैं एक्चुअली NIT घाट जा रहा था, मैं ब्लॉग बनाने, तो मैंने देखा कि अभी आप लोग रील बना रहे हैं। क्या नाम है आपके? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा नाम आकाश सिंह पड़ेगा। अच्छा, और आपका? मेरा ऋषभ सिंह। अच्छा, है। चलो भाई, इनको आगे जाएगा, इन लोगों को भाई सपोर्ट करना गाइस आप लोग जाके। मैं तो अभी निकल ही रहा था तो मैंने देखा कि भाई भाई लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भी सपोर्ट कीजिएगा, ब्लॉग बना रहे हैं अभी, NIT घाट जा रहे हैं इतना सामने। एक्चुअली क्या, मैं दिल्ली से आया हूँ और बिहार को ही कवर करने के लिए आया था, तो मैंने कहा देख चलते हैं NIT घाट, देखते हैं कैसा है। और काफ़ी अच्छा शूट कर रहे थे, मैं देख रहा था दूर से आपको भी। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो पता है गाइस, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान होता है, बट किसी को सपोर्ट करना बहुत टफ होता है। मैं इसलिए रुक गया ना यहाँ पे, बिकॉज मैं जा तो रहा था NIT घाट, बट इन लोगों का देख के ना कि इस रोड पर अकेले बेचारे डांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिसका जो भी कंटेंट है, उसकी जो भी ऑडियंस है, बट अच्छा है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना वो क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, सपोर्ट करो सबको प्यार से। अच्छा नहीं लगता है तो मत देखो, अच्छा लगता है तो देखो और सपोर्ट करो गाइस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी लगी है पार्किंग में, और जहाँ से सीधे जाकर के अंदर है, तो थोड़ा चलते हैं फटाफट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं NIT घाट, थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा, गाड़ी लेके नहीं जा सकते अंदर। मैं कैप क्यों उतार दिया आपने? कैप मैंने अपने बालों को संवारने के लिए उतारा है। गाइस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना का गेट, तो वो सामने कॉलेज की बिल्डिंग कितनी सुंदर लग रही है एकदम। और ये बिल्डिंग कम से कम 1000 साल पुरानी है। मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, फाइनली आ चुके हैं, पर बहुत सारा लंबा सा वॉक करने के बाद अब सामने देखो गंगा जी दिख रही है, और वही है सामने NIT घाट ना। ये अपने घाट के बारे में कुछ, जैसे कि ये कॉलेज है, NIT कॉलेज है, कॉलेज के नाम से इसको घाट बोला जाता है, NIT घाट। अब मैंने सुना पटना का सबसे अच्छा घाट यही है ना?
ये जो घाट है ना, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से गुरुद्वारा से लेकर कंगन घाट से लेकर और पटना कलेक्ट्रेट तक सेम घाट चलेगा। मतलब ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है, ये कितना किलोमीटर होगा? 6-7 किलोमीटर ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ का जो घाट है ना, एक तरीके से वॉकिंग स्ट्रीट हो गया है। ये देखो, ये है NIT घाट, कुछ ऐसा है। अभी तो लाइट बंद है बिकॉज काम चल रहा है दिवाली का। तो गाइस हम घाट पे तो आ गए हैं, अब हम सोच रहे हैं हम यहाँ पे क्या ही करें। तो उत्तर मैंने सजेस्ट किया है कि हम यहाँ पे मैगी खाएंगे। तो बता रहे कोई मैगी फेमस है यहाँ की? मैगी तो हर जगह कहीं भी जाओ कहीं ना कहीं मैगी फेमस मिल ही जाती है। तो गाइस हम लोग NIT घाट आए थे सिर्फ और सिर्फ मैगी खाने। ये मैगी पड़ी हमें 70 रुपए की। एक बार खिलाइए, बार बार खिलाइए, मतलब एक बार आए बार बार आए। ये क्या है? एक बार खाए और बार बार आए। एक बार आए उसके बाद तो खाएंगे, तब तो बार बार आएंगे। तो हमारी मैगी तो आ गई है। पता नहीं ये मैगी नहीं है, ये एक्चुअली मिर्ची है जिसमें मैगी डाल दी गई है। इतनी मिर्ची खा लेंगे आप? हम तो खा लेंगे, तुम अपना देखो। मैं नहीं खा पाऊंगा इतनी, इधर डाल दो फेंकना मत। ठीक है, तो मैगी ये तुमने खा लिया, अब इसको रखते हैं। गाइस हमने तो घूम लिया है NIT घाट, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। न्यूज़ रिपोर्टर वाला न्यूज़ ले रहा है, सब उसका मज़ा ले रहे हैं। यही बिहार की जमीनी हकीकत है। वो भी नहीं आता इलेक्शन में, सबको इलेक्शन होता है तो सबको जाता है, कोई वार्ड 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 कोई नहीं आता। चाचा विधायक के रूप में विधायक बन सकते हैं क्या? बढ़िया था गुरु। तो गाइस वहाँ पे अपना इंटरव्यू तो चल रहा है, हम लोग तो चले अपने घर पर, चले कहीं और चले, तो घर ही चलते गाइस। सो गाइस ये था पटना का NIT घाट जो कि हमने देख लिया। अब आगे मुझे क्या देखना है वो आप डिसाइड करोगे, आप कमेंट करोगे, और जो भी आप कमेंट करोगे वहाँ जाके वीडियो बनाएंगे और आपके साथ ही बनाएंगे। जो भी कमेंट करेगा जहाँ के लिए भी बिहार में, तो वो आपके साथ ही बनेगा। तो फटाफट से कमेंट करो और बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो कहाँ की बनानी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं बिहार में बहुत जगह घूमने वाला हूँ, तो आपको आने वाली वीडियो बहुत एडवेंचर वाली साथ मिलेगी।